यशना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। क्या फिर से पार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो चुनौती है वो बढ़ने वाली है? ये सवाल इस वक्त इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि आजम खान से लेकर के कई ऐसे बड़े नेता है जिनको कहीं ना कहीं जो है नजरअंदाज किया गया, और नजरअंदाज करने की भी बात इसलिए यहाँ पर हो रही है इस वक्त क्योंकि आजम खान को जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही लगातार कई छोटे बड़े मुकदमे में फंसाया गया और भ्रष्टाचार का कई आरोप लगाया गया, तो क्या यहाँ पर बस ये मान लेना चाहिए कि आजम खान ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता थे? लेकिन इस समय आप देखिए कि जिस तरीके से आजम खान के परिवार के कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उसके बावजूद भी मात्र आजम खान ही वो चेहरा नहीं है जिन पर इस तरीके के केस किए गए हैं, बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, और आप कह सकते हैं कि और कई ऐसे चेहरे हैं जो इसमें जो है पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश जो उनको की जा रही है। तो यहाँ पर अब आजम खान की बहू की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे विवाद में ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी जो चुप्पी जो खामोशी है वो लगातार बतलाती है कि अब जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, दरअसल उस चुनाव में ये तय होगा कि जो आजम खान का समर्थक वोटर है, जो आजम खान के एक जो है बार बुलाने पर हाजिर हो जाता है, वैसे तमाम समर्थक क्या फिर से एक बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का साथ देंगे या फिर वो कोई और विकल्प की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तो इस समय फिलहाल आपको जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर आप बारीकी से समझते हैं जानते हैं तो ये बात आपको बखूबी पता होगा कि आजम खान के साथ उनके परिवार के साथ किस तरीके से राजनीतिक दुश्मनी निकाली जाए, उनके ऊपर कई जो है आप कह सकते हैं कि छोटे ऐसे आप कह सकते हैं कि मुकदमे दायर किए गए हैं जिनको सुनकर आपको हंसी तक आ जाएगी कि इतने बड़े नेता के खिलाफ क्या इतने छोटे मुकदमे लिखवाए जा सकते हैं, और क्या समाजवादी पार्टी में मात्र सारा गुनाह का ठेकरा जो है आजम खान ने ही किया था, उनके ही सर फोड़ा जाएगा? ये भी तमाम गंभीर सवाल है। तो अब इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद तय माना जा रहा है कि चुन चुन करके वैसे नेताओं को कहीं कहीं परेशान किया जा रहा है, और लगातार आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।